हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा सीसीटीवी कैमरा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे को कैसे चलाते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा विंटरॉन कंपनी का DVR है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है ये भी बताने वाला हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे कि सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक बार इस समय हमारा सीसीटीवी कैमरा जो है क्लोज़ है। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सीसीटीवी कैमरा में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो मॉनिटर है, जो भी हमारा कैमरा कैप्चर करता है उसको हम इस स्क्रीन में देख पाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जो हम पावर एडाप्टर कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये DVR मशीन है इसके नीचे रखा है, DVR मशीन को भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा कैमरा का जो वायर है, ये कैमरा हमारा बाहर के साइड में लगा हुआ है, तो कैमरे को भी पावर की ज़रूरत पड़ती है और ख़ुद ये जो DVR है इसको भी पावर की ज़रूरत पड़ती है। कि पावर एडाप्टर जो है करंट को AC में लेता है और AC के बाद उसको DC में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा DVR को भी जो DC में सप्लाई प्रोवाइड करता है, और जो हमारा केबल के थ्रू जो हमारा कैमरा लगा उसमें भी हमारा DC सप्लाई होती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा माउस है, और ये माउस हमारा जो है DVR है, और यहाँ से DVR से कनेक्टेड है। इसी तरह से जो ये हमारा मॉनिटर है ये भी हमारा DVR से कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे हमारा प्लग लगा हुआ, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है पावर बटन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जल चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DVR का भी ये पावर बटन यहाँ पे जल चुका है। और आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना, ये ऑटोमेटिक जो है आपका जो है सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा विंटरॉन कंपनी का मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो हमारा DVR होता है उसमें जो है 4 कैमरे, 8 कैमरे और 16 कैमरे की व्यवस्था होती है। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो है DVR मशीन को आप खरीदते हैं। अगर आपको 4 कैमरे की ज़रूरत है तो 4 पोर्ट वाला DVR खरीदेंगे। अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके हिसाब से मार्केट में आते हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे आप दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं माउस में करंट आ रहा है और इस माउस के माध्यम से ही हम इसको चलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा पॉइंटर है। अगर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 हमारे इस DVR में जो है 4 कैमरे लगाने की व्यवस्था है, और फिलहाल अभी हमारे में 1 कैमरा काम कर रहा है। तो करना क्या आपको, अगर इसको आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं हमारा स्क्रीन बड़ा हो जा रहा है। अगर इसको छोटा करना है तो आप जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो हमको अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। केवल 1 कैमरे को देख सकते हैं, 4 कैमरों को एक साथ हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको एक बड़ा कर लेता हूँ। और चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है इसको हम जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इनके अंदर जो भी आइकन्स हैं, जो भी यहाँ पे विंटरॉन कंपनी का जो DVR यूज़ कर रहा है इसका ये सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मेन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप DVR में जो है यूज़र नेम पासवर्ड होता है। जब तक हम यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं इंटर करेंगे तब तक हम जो है यहाँ पे इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम कोई रिकॉर्डिंग यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। टॉप पे देख पा रहे हैं यहाँ पे चैनल 1, चूँकि यहाँ पे टोटल हमारे 4 कैमरे लग सकते थे, यहाँ पे 4 चैनल दिए हुए हैं। यहाँ से जो भी हमारा रिकॉर्डिंग, किन किन कैमरे को ऑन करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे सेटिंग को करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और बात करता हूँ दूसरा जो ऑप्शन है। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं View 1, View 4। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो किसी भी कैमरे को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, कैमरा 1, 2, 3, 4 जिस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा दूसरा तरीका है किसी पार्टिकुलर कैमरे को हम कैसे ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो चूंकि 2 हमारा कैमरा लगा ही नहीं है 2 नंबर में, तो ये हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और पुनः इस जिसमें हमारा कैमरा लगा उसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो है किस कैमरे को हम देखना चाहते हैं यहाँ से सेटिंग की जाती है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड मोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हमको किन किन कैमरे का रिकॉर्डिंग है, चूँकि दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो DVR मशीन है, DVR मशीन के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है। और दोस्तों, अगर हम 4 कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा जो हार्ड डिस्क जल्दी फुल हो जाएगा। इस तरह से हम चाहते हैं केवल 1 पार्टिकुलर कैमरे से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग की सेटिंग आपको यहाँ से की जाती है। तो फाइनली यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों, ये जो ऑप्शन इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं
PTZ कंट्रोल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा CCTV कैमरा, इसको रिमोट के माध्यम से भी चला सकते हैं और उससे रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर सेटिंग है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी हमारा डिस्प्ले है उसका ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनली जैसे हम सेट करके ओके करेंगे तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा। कंट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यूज़ को यहाँ पे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेशली ये जो भी हमारा जो डिस्प्ले है उसकी सेटिंग के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। दोस्तों अगला जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट एडजस्ट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा आउटपुट दिख रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इस ब्राइटनेस को अगर मैं कम करता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसका ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रहा है। इससे हम ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं सेचुरेशन को कम ज़्यादा करता हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कम कर दिया तो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले हमारा जो है ऐसे हो गया। अगर मैं सेचुरेशन को भी यहाँ पे घटा के अपना जो सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं जो भी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले जो है ब्लैक एंड वाइट आ चुका है। तो स्पेशली ये सेटिंग करने के लिए होता है और जहाँ पे इसको आप सेट करके और ओके कर देंगे तो वो सेटिंग जो है अप्लाई हो जाता है। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। फाइनली इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों लास्ट में जानते हैं जो ये प्लेबैक जो सेटिंग है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे जो DVR के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है। अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क होता, अगर हम रिकॉर्ड करते तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 24 घंटे की रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10:11 है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके बीच का जो भी रिकॉर्डिंग पहले से वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट की सेटिंग है और जिस पार्टिकुलर डेट का हमको अगर जो वीडियो क्लिप चाहिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो भी महीना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे और उस पार्टिकुलर डे पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पार्टिकुलर डे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24 आवर्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम पार्टिकुलर स्पेशली जो है यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरे दिए 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें 4 कैमरे हैं तो जिस भी कैमरे का हम चाहेंगे उस कैमरे का मैं डेटा यहाँ से उसका बैकअप ले सकते हैं और उसको हम पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि CCTV कैमरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।